अब आपको बताने वाली हूँ हैजर्ड्स ऑफ पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। जब आप ओवरलैप कर रहे होते हैं तो किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, उसे ही कहते हैं हैजर्ड्स। ओके, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ पाइपलाइनिंग की वजह से कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं। नाउ यह है आपका पहला पॉइंट, पहला हैजर्ड, दैट इज द कंट्रोल हैजर्ड। नाउ जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो वो क्या होता है, जब परफॉर्म करते हैं तो वो ऊपर से नीचे होता है इंस्ट्रक्शंस, कि पहले इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम में जो पहला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उसे परफॉर्म करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। इस तरीके से हम नीचे की तरफ आते हैं, जो पूरा प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते करते करते। नाउ कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम में ब्रांचिंग हो जाती है, कि आपने पहला परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट किया, दूसरा एग्जीक्यूट किया, एंड देन सडनली यू हैव टू, आपको यहाँ पे दे दिया गया है इफ है, एल्स है, या ऐसे कोई ब्रांचिंग कर दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि यू हैव टू जंप ऑन डायरेक्टली टू द सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन। अब आपको जंप करना है सिक्स्थ इंस्ट्रक्शंस पे, तो क्योंकि हम सिक्वेंशियली इसे सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम पहला इंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं, इसे फेच करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर जब इसके एग्जीक्यूशन होने से पहले ही हम दूसरे वाले को फेच कर देते हैं। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को ही फेच करना है, ये एग्जीक्यूट हो तब हमें पता चले कि नहीं, वी आर सपोज टू गो टू द सिक्स इंस्ट्रक्शन। बट क्योंकि हम एग्जीक्यूशन तक का वेट नहीं करते और उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करते जाते हैं, तो सिमिलरली क्या हो जाता है, पाइपलाइनिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने से पहले ही हम क्या करते हैं, थर्ड वाले को फेच कर देते हैं, उसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ। तो ये तो गलत हो जाता है ना। देन जब वो रियलाइज होता है कि अरे ये सारे तो हम एग्जीक्यूट, ये सारे फेच नहीं करने थे, हमें तो सिक्स्थ वाला फेच करना था, इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये जो पहले के जितने भी इंस्ट्रक्शन है इन्हें डिस्कार्ड करना पड़ता है और फिर से दोबारा से इसे परफॉर्म करना पड़ता है, जहां ब्रांचिंग की वजह से हम सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन पे जाते हैं। तो इसे कहते हैं कंट्रोल हैजर्ड। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पहले इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने से पहले ही दूसरे वाले को फेच कर लेते हैं, तो इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता है कि इंस्ट्रक्शन में लिखा गया यू हैव टू ब्रांचिंग है, आपको जंप करना है सिक्स इंस्ट्रक्शन पे, तो इस वजह से हम इसे फेच करने के बजाय बीच वाले सारे इंस्ट्रक्शंस को फेच करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, तो ये गलती हो जाती है। इस वजह से इसको पूरा डिस्कार्ड करना पड़ता है और ओवर अगेन इसे परफॉर्म करना होता है और फिर वो जंप होके सिक्स वाले पे आता है, न्यू लोकेशन पे आता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो पहले हमने डिस्कार्ड किया उसमें एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, जो उसे ही हम कहते हैं बबल। ओके, तो ये प्रॉब्लम है जो आती है कंट्रोल हैजर्ड में। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा हैजर्ड, ये जो पाइपलाइनिंग का है, दैट इज डेटा डिपेंडेंसी हैजर्ड। ये प्रॉब्लम तब अकर होती है जब आप ऐसे प्रोग्राम है, आपके इंस्ट्रक्शंस है, दो इंस्ट्रक्शंस है, जो आपका पहला इंस्ट्रक्शन से जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंडेंट है आपका दूसरा इंस्ट्रक्शन, तो इस सिचुएशन पे ये रॉन्ग कर देता है आपका आंसर। जैसे कि आपका पहला इंस्ट्रक्शन है इंक्रीमेंट ऑफ बी एंड देन मूव बी टू ए। ओके, नाउ सपोज बी का वैल्यू है आपका 18, तो हम क्या करते हैं, इसे फेच करते हैं पहले इंस्ट्रक्शन को, बट पाइपलाइनिंग में इसे डिकोड एग्जीक्यूट करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले को फेच कर ले रहे हैं। तो वी हैव फेच्ड बी, तो इसका वैल्यू तो 18 था, बट हमने इसमें क्या किया, इंक्रीमेंट नहीं किया है, और इंक्रीमेंट करने से पहले ही हमने उसके वैल्यू को ए में डाल दिया है, तो इसकी वजह से ए में कौन सा वैल्यू चला गया, 18, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑफ बी मतलब ये 18 इंक्रीमेंट होकर 19 हो जाता और ए में बी का कौन सा वैल्यू जाता, 19। तो इस तरीके के जो है रॉन्ग आंसर्स आते हैं ड्यू टू पाइपलाइनिंग इन डेटा डिपेंडेंसी केस। सो जो हमारा थर्ड हैजर्ड है वो है स्ट्रक्चरल हैजर्ड। नाउ स्ट्रक्चरल हैजर्ड क्या होता है, जैसे कि हमारे पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा गया है, सपोज इट इज लाइक ऐड ए बी, तो आपको पता होता है कि ये है आपका माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर छोटे रेजिस्टर्स होते हैं, ओके, ए रेजिस्टर, बी रेजिस्टर सपोज, और ये होता है हमारा मेमोरी, राइट। तो जब कहा जाता है ऐड ए एंड बी, तो वाइल फेचिंग क्या होता है कि आपका ए और बी जो है वो आपके, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर में रजिस्टर है और उसी में आपका वैल्यू है, तो ये फेच करता है पहले इंस्ट्रक्शन को और एग्जीक्यूशन के टाइम पे यहीं पे से वो दोनों वैल्यू को लेके यहाँ ऐड कर देता है और एग्जीक्यूट हो जाता है। बट इन केस
कि आपका जो है इंस्ट्रक्शन है एड ए एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका है सपोज 18,000। ओके, इसका ये मतलब है कि आपको ए रजिस्टर में जो आपका डेटा है उसको ऐड करना है किसके साथ, कंटेंट ऑफ जो 18,000 मेमोरी लोकेशन, या आपका मेमोरी लोकेशन नहीं, यहाँ पे जो 18,000 लोकेशन है वहां पे जो डेटा स्टोर्ड है उस डेटा को आपको ए के साथ ऐड करना है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्रोसेसर, पहले तो ये इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया गया है बट एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में भी आपको फेच करना पड़ता है। वाइल एग्जीक्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा इस लोकेशन पे ताकि आप वहां के डेटा को लेकर आए एंड देन आप उसे ऐड करें। मतलब प्रोसेसर जाए इस लोकेशन पे, यहां से डेटा को लेकर आए और फिर उसे ऐड करें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपने फेच किया, फेचिंग के टाइम पे आपको बस की जरूरत थी, बट वाइल एग्जीक्यूशन भी आपको बस की जरूरत पड़ रही है क्योंकि यू हैव टू गो टू, क्योंकि द प्रोसेसर हैज टू गो टू दिस लोकेशन एंड गेट द डेटा। तो यहाँ पे द डेटा, नाउ द बस इज नॉट फ्री। अगर बस फ्री होगी तभी आप दूसरे वाले इंस्ट्रक्शन को फेच कर पाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है आपके स्ट्रक्चरल हैजर्ड में, जहाँ पे वाइल द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन यू कैन नॉट फेच द सेकेंड इंस्ट्रक्शन बिकॉज द बस इज ऑलरेडी बिजी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज हैजर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।